आईपीएल 2024 का 35वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 6 मैचों में 4 जीत और 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स 7 मैचों में 3 जीत और 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में गुजरात पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.3 ओवरों में 89 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में डीसी ने 67 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इस मैच में एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 262 रन ही बना सकी थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो आईपीएल में दिल्ली और हैदराबाद 23 मुकाबलों में आमने सामने आई है। इन 23 में से दिल्ली ने 11 मुकाबले जीते हैं, जबकि हैदराबाद 12 बार जीती है। आईपीएल 2023 में ये दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के आमने सामने थीं, जिनमें से एक मैच में दिल्ली और दूसरे में हैदराबाद ने बाजी मारी थी। वहीं इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच बल्लेबाजों के लिए अधिक हेल्पफुल मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने के चलते यहां बल्लेबाजों को चौके छक्के लगाने में आसानी होती है। वहीं मैच आगे बढ़ाने के साथ यहां स्पिनरों को अधिक मदद मिलती है। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 164 रन है। जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। अगर दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेजर, शाय होप, ऋषभ पंत, सुमित कुमार, ट्रिस्टन स्टफ, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार और खलील अहमद को मौका मिल सकता है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, एल्डन मार्करम, अब्दुल समद, नीतीश कुमार रेड्डी, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट और टी नटराजन खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।